हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और अभी शाम का 6 बज रहा है। हम लोग एग्जीबिशन रोड से गुजर रहे थे और एक इंटरेस्टिंग सा कार्ट दिखा है यहाँ पे, जहाँ की मिल रहा है कुलचे और छोले। मतलब पटना के हिसाब से पटना के लिए एक नया सा चीज़ है, क्योंकि पटना में और कहीं इस तरह कोई कार्ट नहीं दिखा था जहाँ की कुलचे छोले मिलते हैं। और मतलब ये पहली बार नहीं देखे, बहुत बार इस रोड से गुजरे हैं। अगर आप भी एग्जीबिशन रोड से गुजरे होंगे तो आपको ये कार्ट दिखा होगा, क्योंकि बहुत पुराना है। मतलब लगभग 2-3 साल से हम लोग इस कार्ट को देख रहे हैं, कभी रुक के यहाँ ट्राई नहीं किए थे, ना हम ट्राई किए हैं ना कभी वीडियो बनाए। आज प्रॉपर रुके हैं, ट्राई करेंगे यहाँ के कुलचे छोले को, देखते हैं कैसा टेस्ट है, क्या रेट है। बट उससे पहले लोकेशन बता दें कि फ़िलहाल एग्जीबिशन रोड में, और मेरे जस्ट पीछे है गार्गी ग्रैंड। गार्गी ग्रैंड जो होटल है उसके जस्ट बगल में है। तो गूगल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गार्गी ग्रैंड का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पहुँचिएगा, उसके जस्ट बगल में आपको ये कार्ड दिख जाएगा कुलचे छोले का। तो चलते हैं यहाँ के ओनर से बात करते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ के कुलचे छोले को। तो अभी देखिए, इधर एक कस्टमर मिले जो कि बैठ के यहाँ का कुलचा छोला इन्जॉय कर रहा है। इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का कुलचा छोला? बहुत सही लग रहा है, मतलब बहुत पहले से हम खा रहे हैं। आज पहली बार मतलब लॉकडाउन के बाद ये खा रहे हैं। मतलब लॉकडाउन के बाद पहली बार आ जाए हैं, मतलब पुराना मेमोरीज वाला याद ताज़ा हो गया। हाँ, 2-3 साल बाद। और टेस्ट बिल्कुल सेम मिल रहा है जो पहले वाला था। हाँ, थोड़ा पैसे वैसे मतलब 5 रुपये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है। अच्छा, बाकी वो सब अभी शायद 20 रुपीज़ से पहले 15 रुपीज़ हुआ करता था लॉकडाउन के पहले। तो क्या नाम हुआ आपका? दीपक। दीपक जी, और कितने साल से ये कार्ट है? 16 साल से। 16 साल से ये कार्ट है? 16 साल से बस यहीं पे लग रहा है। अच्छा, हमको लगा कि रिसेंटली, मतलब 2-3 साल पुराना है। 16 साल से, 2005 में यहाँ पर आए हैं अगस्त। अच्छा। महीना में जब से बच गए, 5 से लेके अभी 2021 तक यहीं पर, कहीं जगह भी नहीं चेंज हुआ, कुछ नहीं, मेन्यू भी कुछ नहीं चेंज हुआ, सब कुछ सेम। बस रेट चेंज हुआ होगा। रेट सिर्फ चेंज हो गया, शुरू किया था उस टाइम 6 रुपये से, अभी बेच रहे हैं 20 रुपये में। और क्या मिलता है यहाँ पर? कुलचे छोले, बस वही मिलता है। तो कुलचे छोले मतलब हम लोग समझते हैं कुलचा एक मतलब फ्लैट ब्रेड वाला आता है, या फिर तो जो एक वो वाला कुलचे जो होता है ना, जैसे कि रोटी की तरह पतला सा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा कुलचे दिल्ली में होता है। अच्छा। और मैं पंजाब में बेचे थे पटियाले में। अच्छा। वहाँ भी 7 साल बेचे हैं। अच्छा। यानी 98 से हम बेच रहे हैं कुलचा। ये एक तो होता है वो रोटी की तरह, एक हो गया आपका वो अमृतसरी कुलचा होता है जो नान की तरह होता है। हाँ, तो वो अमृतसर में भी नान की तरह, वो कहीं कहीं पे वैसा है ना, तो अधिकतर पंजाब में ऐसा ही कुलचे बिकता है अधिकतर। ये मतलब बन जैसा मिलता है, एक बार कुलचा दिखाइएगा अपना आप। तो इधर देख सकते हैं आप, यही इनका कुलचा है। एक मिनट पहले कुलचा दिखा देते हैं। ये मतलब आपको वो वाला जो कुलचा आप समझते हैं अभी तक, वो एक जो पिज़्ज़ा के बेस जैसा कुलचा होता है, वो वाला कुलचा नहीं है। ना ही यहाँ अमृतसरी कुलचा मिलेगा, एक अलग तरीके का कुलचा, और ये पंजाब में फेमस ऐसा कुलचा। पटियाला में हम बेचे थे ना, पटियाला में। पटियाले में बहुत ज़्यादा बिक्री है इसका। अच्छा। वहाँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब पटियाला से बेच के आप पटियाला से पटना आ गए आप 16 साल पहले। पटियाला भी 7 साल बेचे हैं। 7 साल पटियाला में बेचे और 16 साल यहाँ, यानी 22-23 साल से यही बेचे। और देखिए, इधर अमूल बटर वगैरह यूज़ किया जाता है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, अमूल बटर में आपको दिया जाता है। और एक कुलचा को क्या किए हैं, बीच से तोड़े हैं, बीच में आप छोला डाले हैं अपना, और आप अमूल बटर डाल रहे हैं। अब इसको क्या कीजिएगा, तवा पे सेकिएगा। अच्छा, ये भी बटर में ही। देखिए, 20 रुपये में आपको अमूल बटर में सेक के दिया जा रहा है, बीच में भी हल्का सा बटर डाला गया है और सेका भी जा रहा है बटर पे ही। टाइमिंग्स वगैरह क्या रहता है आप लोगों का? 3 बजे से 9 बजे तक। तो दोपहर के 3 बजे से रात के 9 बजे तक, उससे पहले कभी आ जाते हैं आधा घंटा, लेकिन 3 बजे से 9 बजे तक कन्फर्म है। और ये जो कुलचा है, ये आप मतलब कहाँ से लाते हैं, खुद बनाते हैं या कहीं से खरीद के लाते हैं? बेकरी से बनवाते हैं। बेकरी से बनवाते हैं। छोला खुद बनाते हैं? छोला खुद बनाते हैं। छोला में क्या क्या डालते हैं? आलू है, काबली चना है, प्याज है, धनिया पत्ता है, बाकी जो मसाला है। छोला में आलू भी है? आलू, काबली चना, प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर सॉस है, ये वाला चिल्ली सॉस है। इधर देखिए छोला, देखिए इनका छोला, देखिए इसमें आलू है, काबुली चना है, और काबुली चना है, आलू, प्याज है, प्याज है, धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता है, बाकी जो मसाला है। एक दिन में कितना कुलचा छोला खत्म हो जाता है? लॉकडाउन के बाद से बाजार बहुत महंगा हो गया, अभी तकरीबन वही 150-200 पीस का सेलिंग है अभी। अच्छा। लॉकडाउन से पहले था 300-350 पीस का। मतलब अभी लॉकडाउन के बाद थोड़ा घट गया है? नहीं, थोड़ा नहीं, आधा घट गया। आधा घट गया है। अच्छा, टाइम के साथ वो भी नॉर्मल हो जाएगा, पहले ऐसा, अब तो सब नॉर्मल हो ही रहा है। होगा, मार्च के बाद देखिए क्या होता है। देखिए, छोला को भरने में भी कोई कंजूसी नहीं किया गया, अच्छे से भर के बटर में से सेक कर दिया जाता है, सॉस डाला जाता है, टोमेटो सॉस और चिली सॉस। मसाला है जो हम अपना पिसवाए हुए खड़ा खरीद के लाते हैं, भूनते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं। अच्छा। मार्केट का मसाला नहीं हम डालते, सारा मसाला भी आपका खुद का बना रहता है, बना हुआ है।
यानी महीना का मसाला एक ही बार तैयार करते हैं, पिसवाते हैं। गरम मसाला का जो आइटम भूंगने वाला है सब भूंगते हैं, बाकी जो कच्चा डालने वाला है कच्चा डालते हैं, लेकिन अपने खुद से तैयार करते हैं। बट एक बार देखिएगा, अंदर में भी इनके बटर डाला गया है, अंदर में ही बटर डाले हैं, बाहर भी सेके हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा टमाटो सॉस और चिली सॉस। सॉस तो खरीद के लाते होंगे ना, कौन से कंपनी का सॉस है? नील्स का है। नील्स का लाते तो टॉप्स का ही रखे थोड़ा दिन। अच्छा, लेकिन क्या हुआ कि कस्टमर सब इतना ज़्यादा मांगने लग गया सॉस ना, इसके वजह से हमको फिर नील्स का रखना। तो मतलब पहले टॉप्स का रखते थे कस्टमर, आप लोग आके इतना ज़्यादा यहाँ का सॉस खाने लगे कि आप थोड़ा सा कम रख। एक कुलचा में दो बार तीन बार एक्स्ट्रा ले लेते थे, चार चार बार ले लेते थे। अच्छा, इसीलिए हम नील्स का टॉप्स का बंद कर दिए और नील्स का शुरू कर दिए। है एक्चुअली नील्स का भी सॉस बहुत बढ़िया है, टॉप्स के दूसरा नंबर ये भी है। अच्छा, आप अपना छोला अच्छा रखिए ना, सॉस कोई भी रहे हल्का फुल्का 19-20 चलता है। तो मान लें कि चटनी, चटनी का मतलब है हल्का चटपटा, तो वही हल्का टेस्ट के लिए भी डालते हैं, उससे कोई विशेष नहीं। वो यही होता है कि कितने के खाने का शौक होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा मांग लेते हैं। एक एक कुलचा छोला बनाइए जरा, हम लोग भी ट्राई करेंगे, टेस्ट देखेंगे कैसा है। ये कुलचा मतलब जो ये जो ब्रेड है ये फ्रेश लेते हैं एकदम? बिल्कुल ताज़ा, डेली का डेली। अभी रात को यहाँ से जाएंगे, निकलेंगे जब इतना आपका बचा हुआ सब खत्म हो जाएगा रात में, तो 9-10 बजे तक ना, 10 बजे तक रहते हैं। अभी 60 पीस का तकरीबन बचल है, अभी अढ़ाई तीन घंटा टाइम है। आप बिक कितना गया है? 120-130 पीस बिक गया है? 120 करीब में बिक गया है। बिक गया 120 से ऊपर चल गया होगा। अच्छा, देखिए इधर हमारा कुलचा छोला बन रहा है, पहली बार हम खा रहे हैं ये वाला कुलचा छोला, ऐसा कभी नहीं खाए थे। हम बताइए 15-16 साल हो गया, 16 साल में पहली बार आए, पहली बार आए। हम लोग कुलचा मतलब सुनते हैं तो ये आता है वही पिज्जा वाला जो बेस वाला पतला सा ब्रेड वाला होता है वो, या अमृतसरी कुलचा, मेनली यही दो तरह का समझते हैं। अमृतसर में भी अधिकतर ऐसा ही बनता है, पाव बोलते हैं। हाँ, तो पाँव होता है जो वो मीठा पाँव एक बनता है, कुलचा का पाँव होता है जो बिल्कुल सादा है। तो इसमें कोई मीठापन, कोई नमक कुछ नहीं है, हल्का है ना के बराबर, जैसे कि फुलावट के लिए सिर्फ दिया हुआ, मिठास के लिए नहीं दिया हुआ। जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, गर्मा गर्म सेका जाएगा, बटर डाला जाएगा, चटनी सॉस डाला जाएगा और सर्व किया जाएगा। कट कर दीजिए, हाफ हाफ कट कर दीजिए। इस तरह का आजकल फ्राइड बर्गर बहुत चल गया पटना में, मतलब जहाँ देखिए फ्राइड बर्गर, फ्राइड बर्गर। फ्राइड बर्गर खाने का कारण हो गया कि छाना हुआ बर्गर में तेल ज़्यादा सूखता है। हाँ, और फ्राइड बर्गर लेकिन उसमें ये बटर वाला फ्लेवर थोड़ी आएगा जो आप बटर दे रहे हैं ना, तो तेल में अति करेगा कि बटर में कहाँ। अब ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है, तो ट्राई करेंगे। बट उससे पहले कस्टमर मिले जो कि यहाँ का कुलचा छोला खा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कि रेगुलर कस्टमर हैं? हम हमेशा आते हैं, एक वो डेली खाते हैं। एक डेली मतलब आके खाना है यहाँ पे? डेली वो खाते हैं। फिक्स्ड? फिक्स। कितने दिन से खा रहे हैं? करीब हम खा रहे हैं 5-6 महीने से। 5-6 महीने से, मतलब इतना पसंद है कि डेली एक आके खाना है। डेली वो शाम में आते हैं खा के। कोई हेल्थ दिक्कत नहीं है? कुछ कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से, स्वाद भी ठीक रहता है, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। कस्टमर आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली आके खा रहे हैं यहाँ के कुलचा छोला, ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये देखिए, ये जो एक है ये समझिए कि 10 रुपये का है, वो टोटल जो था वो 20 रुपये का था, ये 10 रुपये का है। बीच में आपको दिखाया था कि छोला वगैरह डाला गया, और ये ब्रेड मतलब छूते साथ काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है, बिल्कुल क्रिस्पी सा ये ब्रेड है। तो हल्का फुल्का आपको मिलता जुलता टेस्ट लगेगा, पाव भाजी के जैसा, बिल्कुल सिमिलर नहीं कहेंगे। हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट वही है कि उस तरह से पाव को बटर में सेका जा रहा है, बीच में जो इनका छोला है वो एक्चुअली में उसमें आलू भी है, सिर्फ छोला नहीं है, और सॉस वगैरह दिया गया है। तो मतलब टोटली पाव भाजी नहीं, थोड़ा बड़ा मिलता जुलता टेस्ट एक आ रहा है उसका भी, बट उससे अलग, एकदम सिमिलर नहीं, उससे हल्का अलग है। टोटली इसको कुलचा छोला भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुलचा का डेफिनेशन अभी तक हम लोग जो जानते थे वो होता है वो जो आपको बताएं नान वाला हुआ, या जो फ्लैट ब्रेड होता है उस तरीके का होता है। बिल्कुल ये अलग सा डिश लगा, और 20 रुपये के हिसाब से अगर आपको शाम में अपना भूख मिटाना है, इवनिंग स्नैक्स के लिए कुछ नया सा खाना जो यूजुअली हम लोग खाते हैं समोसा कचौड़ी, उससे हट के कुछ खाना है, और अच्छा मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत हैवी नहीं लगेगा, लाइट जैसा ये है, प्लस जो प्रोडक्ट्स वगैरह वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और जैसा देखिए डिमांड मतलब तुरंत अभी एक लिए हैं, 4-5 बन रहा है, सब कुछ प्रॉपर अमूल बटर में यूज़ करके बनाया जा रहा है, कोई आपको बर्न्ड ऑयल वगैरह या कोई रिफाइंड ऑयल मस्टर्ड ऑयल
वो सब नहीं मिलेगा। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है, टेस्ट से भी बिल्कुल अलग लगा, बहुत स्पाइसी भी नहीं है। एक छोला आलू का मिक्सचर है इसमें, प्रॉपरली जो छोला होता है सिर्फ काबुली चना वैसा नहीं बनाया गया, आलू वगैरह डाल के प्याज डाल के बनाया गया। तो आइए ट्राई कीजिए कुछ नया सा, एक ऑप्शन आपके लिए। अगर 16 साल पुराना हो सकता है आप अभी तक ट्राई कर भी चुके होंगे, बट अगर नहीं किए हैं आइए ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा आपको कैसा लगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।